मैंने सोचा क्यों नहीं इसे यार कैप्चर किया जाए अपने कैमरे में, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो चलिए चलते हैं पिकनिक पे। पहले ये ऐसे दिख रहा था, अब ये ऐसे दिख रहा है। सो काफ़ी दिनों से मेरी मम्मी बोल रही थी भाई गंदे रंग दो, मतलब थोड़े गंदे दिख रहे थे जैसे कि आप लोगों ने अभी पहले देखा, तो मैंने सोचा चलो आज इसको निपटा ही देते। सो हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड अभी प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन आप देख सकते हैं, अभी मैं गाँव पर हूँ क्योंकि मतलब मेरे जो मैंने पिछले ब्लॉग पे छोड़ा था उस ब्लॉग के 2-3 ब्लॉग पहले ही ऐसा कुछ सीन था, क्योंकि उस समय गांव पे था बट सर, फिर गांव से लखनऊ जाने के बाद बस मैं 2-3 ब्लॉग बनाया था और उसके बाद देन फुल स्टॉप लग गया था मेरे ब्लॉग पे। अब फिर स्टार्ट हुआ है, देखते हैं क्या कब तक चलता है। और सो अभी मैं गाँव पर आ गया क्योंकि अभी जैसा कि आप लोग भी जानते हैं क्योंकि इधर फेस्टिवल वगैरह थे, और एक्चुअली मैं जबकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो बिहार में एक और पर्व मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है छठ पूजा। तो या छठ पूजा था तो डेट्स वाई आना पड़ा, और दिवाली भी थी तो सोचा घर पे चल के ही मना लेते हैं फैमिली के साथ। सो डेट्स वाई हम लोग अभी हम हैं धूप में, क्यों? क्योंकि या विंटर सीज़न आ चुका है, और या विंटर सीज़न मतलब ठंडी का सीज़न, तो ठंडी में तो धूप लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक चीज़ बता दूं कि मतलब जब मैंने व्लॉग छोड़ा था, मतलब पिछले व्लॉग में जो मैंने लखनऊ में किया था शायद वो मॉल का था, शायद क्या, हाँ मॉल का ही था वो, दैट्स अ फिनिक्स प्लासियो। और उस व्लॉग के बाद मैं आज शूट कर रहा हूँ, लगभग 1 से 1.5 महीने के आसपास हो ही गया होगा। और मतलब इस बीच मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो मैंने शूट नहीं किया। बाय द वे काफ़ी सारे रीजन्स थे जो मैंने आगे वाले व्लॉग्स में, आने वाले व्लॉग्स में मतलब डिस्कस करते रहूँगा आप लोगों से, और वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताते रहूँगा। बाकी आज का जो सीन ये है कि आज है 6/9, और आज के दिन जो है हमें मतलब जहाँ पे लोग मानते हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे जब मैं गाँव पे हूँ तो यहाँ सब लोग जो मानते हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज है 6/9, और आज के दिन जो है हमें मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि आंवले के पेड़ के पास खाना वगैरह बना के खाना चाहिए, और उस शायद उसकी पूजा भी की जाती है, शायद क्या या 100% की ही जाती है। सो दैट्स वाई आज जो हम लोग आज जो पूरे घर के लोग हैं हम लोग के, तो आज हम लोग जाएंगे बाहर एक आंवले के पेड़ के पास, जो मतलब पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आप लोग को दिखाऊँगा। और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग वहाँ पे जो भी हो मटेरियल्स वगैरह वहाँ से हम लोग खाना वगैरह बनाएंगे, और देन वहाँ पे खाएंगे और देन वापस घर आएंगे। क्योंकि ये कुल मिला जुला के ऐसा कह सकते हैं थोड़ा पिकनिक जैसा सिचुएशन बन रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे यार कैप्चर किया जाए अपने कैमरे में, सो दैट्स वाई आई एम हेयर। सो चलिए चलते हैं पिकनिक पे। सो नाउ वी आर गोइंग विथ आइटम्स। सो नाउ अभी हम लोग अपना ये सामान वामान लेके जो भी हो बनाने का कार्यक्रम का जो भी सामान हो वो सारी चीज़ें लेके निकल चुके हैं, और यार अभी कभी हम लोग पहुँचने ही वाले क्योंकि यह अब रोड है, तो दैट्स वाई काफ़ी शोर आप देख सकते हैं। सो ये हम पहुँच चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे चल रही है खान पान की तैयारी। सीधे ये सारी सब्जियाँ कटी हुई हैं, और ये छोटा चूल्हा,
और मम्मी यहाँ पे लकड़ी लगा रही हैं। अभी यहीं पे ये सारी सब्जियाँ बनेंगी, काफ़ी कुछ चीज़ें घर से बन के आई हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे बनेंगी। और ये रहा वो आंवले का पेड़ जिसकी हम लोग पूजा करेंगे और उसके बाद खाएंगे यहाँ पे बैठ के। ये वाली जो पत्तियाँ आप देख पा रहे होंगे, ये सारी है आंवले का पेड़ की पत्तियाँ, ऐसी होती हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा यहाँ से ये सीन, और वहाँ पे बन रहा है सारे खाने। और अभी हम लोग जा रहे हैं केले के पत्ते को तोड़ने, क्योंकि मम्मी बता रही कि यहाँ पे आए हैं तो केले के पत्ते नहीं खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे केले का पेड़ है, काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो हम लोग उस वही तोड़ने जा रहे हैं और उसी में उसी पर खाएंगे। ओके गन्ने, ईख, आम का पेड़, और इधर है वो सारी चीज़ें, ये सरसों है, और वहाँ पे मम्मी और दीदी बैठी हुई हैं जैसे कि आप लोगों को देख सकते हैं। और इधर ये सारे पेड़ हैं और वो एक छोटा सा रूम, और ये अभी इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। और यही सारी चीज़ें हैं, तो अभी देखते देखते सब्जी भी तैयार हो गई हमारे यहाँ पे, और अब बारी है यहाँ पे पूड़ी तलने की। अभी ये भी पूरी तल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा भी हो चुकी है, और पूजा मतलब ऐसा माना जाता है पूजा करने के बाद ही खाना खाना चाहिए, तो यहाँ पे पूजा इज डन। और अब बारी है हमारे खाने की। ओके अभी हम लोग सारा कार्यक्रम वगैरह कंप्लीट करके अभी आ चुके हैं घर पे, और यही था मतलब थोड़ा सा छोटा बहुत था घर से बाहर जाके थोड़ा बहुत खाना हुआ काफ़ी दिनों बाद, तो सोचा कि यार कैंसिल करते हैं इसको भी। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उस चैनल को अब तक सब्सक्राइब की नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।